पूरे भारतवर्ष के अंदर और कब विदेशों के अंदर सभी जगह कोरोना का भयंकर संक्रमण फैला हुआ है और कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है। यानी कम्युनिटी का मतलब है कि घर घर के अंदर फैल चुका है। जब घर के अंदर फैल चुका है, हम सबको पता है, तो ये भी लोग जानते हैं कि इसको रोका कैसे जाएगा। घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो और जो सुविधा जो अपने सुविधाएँ सावधानियाँ बताई गई उनका पालन करेंगे तभी होगा। जैसे एक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैंने अपनी जो मैसेज मैंने ट्रांसमिट किया था, उसका उद्देश्य यही था कि भाई हमें कम्युनिटी ट्रांसमिशन को रोकना है, दैट मीन हमको घर में ही रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना। पहली बात, घर में भी बाहर से कोई सब्जियाँ या कोई सामान लेके आ रहा है उनको बार बार धोना है, सैनिटाइज करके ही उपयोग में लेना है। कोई बाहर से व्यक्ति आ रहा है उससे कभी हाथ नहीं मिलाना, सिर्फ हाथ जोड़कर अभिवादन करना है, साबुन से हाथ धोना है, और सैनिटाइजर जो आता है अल्कोहल बेस्ड उसका इस्तेमाल करें। बाय द वे, कहीं से संपर्क गलत व्यक्ति से इस तरह का होता है, मास्क पहने, मास्क बहुत आवश्यक है, सबसे बड़ा वैक्सीन मास्क है। और इन सबके साथ में सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार वैक्सीन की सुविधा सबको मिल चुकी है, जो गाइडलाइंस है उस हिसाब से तो सभी 100% वैक्सीनेशन कराएं। लेकिन कुछ मिथ्या इस तरह के फैले हुए हैं, वैक्सीनेशन नहीं करा रहे, किसका नुकसान कर रहे हैं? जब पता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है, घर घर में फैल चुका है, तो हमारे पास एक रामबाण दवा, एक वैक्सीनेशन आ चुका है, तो उसको लोग क्यों कतरा रहे हैं लगवाने में? आज मेरे ज़िले की बात करो तो ज़िले के अंदर करीब 35% लोगों ने ही वैक्सीनेशन करवाया, अभी तक 70% के आसपास लोग अभी भी अछूते हैं। उनके पास मैसेज है, सूचना है, लेकिन क्यों नहीं करवा रहे, ये उनकी समझ से बाहर है। उनसे ये कहा जाए कि शादी ब्याह के अंदर 500 लोग इकट्ठे हो जाए तो इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन वैक्सीनेशन हो रहा है, पूरी टीम वहाँ काम कर रही है, 500 लोग वहाँ पर वैक्सीनेशन कराने के लिए इकट्ठे नहीं हो रहे, इस तरह की क्या मानसिकता, ये समझ से बाहर है। आपके माध्यम से मैं जनता को ये निवेदन करना चाहूँगा कि घर में रहें, मास्क पहनें, हाथ धोएं, सैनिटाइजर इस्तेमाल करें। जब आपको लग रहा है कहीं ठंड का इस्तेमाल हुआ है या गले के अंदर खराश हो रही है, हल्का सा बुखार है, तो मैंने मीडिया के माध्यम से जो पहले भी किया था, सिंपल पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम गोली अडल्ट में इसका इस्तेमाल करें, ज़रूरत पड़े तभी करें। बच्चों में सब में इसकी डोज अलग होती है। नमक के पानी के, हल्के से गर्म पानी के गरारे करें, और थोड़ा सा लग रहा है दो पैसे खर्च कर सकते हैं तो बीटाडीन के गार्गल आते हैं, उस गार्गल से दिन में 3 बार गरारे करें, गला साफ रहेगा उसका, गला साफ रहेगा। नमक के पानी गरारे अपन कर ही रहे हैं, खाना भी अपन गर्म खा रहे हैं, धुला हुआ खाना खा रहे हैं, तो वायरस हमारे एंट्री नहीं कर पाएगा। ये घर के अंदर एक सिंपल सी सलाह दी जाती है। साथ में चूंकि ये सारा कुछ वायरल इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हो रहा है वो सब हमारी इम्यूनिटी कम होने के कारण हो रहा है। खाने के साथ में जो मैंने बताया, खाना भी खाना है, लिक्विड डाइट अच्छी लेनी है, वैक्सीनेशन हमें कराना है, मास्क हमें उपयोग करना है। साथ में ताकत बढ़ाने के लिए, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी की गोलियां, यानी नींबू, घर में अगर नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, विटामिन सी की लिमसी आती है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टी विटामिन कैप्सूल टैबलेट आती है बी कॉम्प्लेक्स, उनका इस्तेमाल अपन कर सकते हैं, एक गोली रोजाना के कैप्सूल रोजाना के हिसाब से कर सकते हैं। ये दो बेहद आवश्यकता की चीज़ें हैं जो हमारी शरीर को इम्यूनिटी को बूस्ट करने काम करेंगी। किसी डॉक्टर की छोटी मोटी सलाह मिल जाती है तो विटामिन डी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, डी के आते हैं, आयरन की खून की कमी होती है तभी कभी है तो आयरन का भी इस्तेमाल अपन कर सकते हैं। ये चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ चिकित्सक की देखरेख में थोड़ा सा ज़रूरत होती है, अन्यथा घर में रहते हुए जो मेनिंग बेसिक आवश्यकता की चीज़ें बताई हैं, गरारे करने हैं, विटामिन के गार्गल करने हैं, साफ़ सफाई रखनी है और शुद्ध खाना खाना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो हम सोचते हैं कोरोना के कारण जो डर बना हुआ है और जो इन्फेक्शन फैल रहा है उसको 99% अपन रोक सकते हैं, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कहीं कोई वाद विवाद नहीं है। धन्यवाद।